गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, मैं क्लास एट को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने लिख दिया है, क्लास एट सब्जेक्ट जो है वो आपका इंग्लिश ग्रामर है। एट जो है वो 29 है। आज स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है नाउन फ्रेज प्री मॉडिफायर। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। वर्ड्स प्रीसीडिंग द हेड नाउन इन अ नाउन फ्रेज। जो वर्ड्स जो होते हैं, जो शब्द हेड नाउन के पहले आते हैं नाउन फ्रेज में, आर कॉल्ड प्री मॉडिफायर। उनको प्री मॉडिफायर कहा जाता है। हेड नाउन का मतलब हुआ स्टूडेंट, सेंटेंस में जिस नाउन को डिस्क्राइब किया जाता है, जिस नाउन की व्याख्या की जाती है, उसको हेड नाउन कहा जाता है। उसको हेड नाउन की व्याख्या करने के लिए कुछ शब्द का यूज़ जो होता है, कुछ वर्ड्स का यूज़ जो होता है वो पहले होता है, उसी को हम प्री मॉडिफायर कहते हैं। अदर प्री मॉडिफायर इन अ नाउन फ्रेज मे बी द प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरे जो प्री मॉडिफायर्स होते हैं इन अ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज में, वो हो सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब स्टूडेंट्स आप समझिए, वर्ब 1 में आईएनजी जुड़ा होगा, यानी वर्ब 4 समझिए। यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, उसका इस्तेमाल जो होता है एडजेक्टिव की तरह होता है। एंड द पास्ट पार्टिसिपल, और जो पास्ट पार्टिसिपल हम बनाते हैं जिसमें एडी और ईएन लगा के बनता है, इसका मतलब हुआ, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हुआ वर्ब 3। यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, और इसका इस्तेमाल भी जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह होता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल नंबर 1, मच मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन दिस एजुकेशन। उनकी शिक्षा पर बहुत पैसा खर्च किया गया। इसमें स्टूडेंट आपका मनी जो होगा वो हेड नाउन हो जाएगा, उसके पहले मच आया है, तो ये मच जो होगा वो प्री मॉडिफायर होगा। एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। स्कूल एजुकेशन इज़ अ मस्ट फॉर चिल्ड्रेन। स्कूली शिक्षा बच्चों के लिए ज़रूरी है। इसमें स्टूडेंट आपका नाउन जो होगा, हेड नाउन जो होगा वो आपका एजुकेशन हो जाएगा, उसके पहले स्कूल आया है, तो आपका प्री मॉडिफायर जो होगा वो स्कूल हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। दिस हैंगिंग विंड चिम्स आर फ्रॉम भूटान। ये हैंगिंग विंड चाइम जो है वो भूटान के हैं। इसमें स्टूडेंट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है, यानी वर्ब 4 आया हुआ है, वर्ब 1 में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये हो जाएगा आपका प्री मॉडिफायर, और यहाँ जो नाउन हो जाएगा वो विंड चाइम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। द हाउंडेड एनिमल फाइनली एस्केप इनसाइड अ केव। घायल जानवर अंत में गुफा के अंदर भाग गया। इसमें स्टूडेंट्स आपका वर्ब 3 आया है, तो ये वर्ब 3 जो होगा वो प्री मॉडिफायर होगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल है, तो यहाँ आपका नाउन जो होगा वो एनिमल हो जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच।